इंडियन हॉरर सीरीज। हम नए नए घर में शिफ्ट हुए थे। पहले ही रात से मुझे उस घर में कुछ अलग सी अनुभव होने शुरू हुई। पहले रात तो मुझे लगा जैसे घर के आंगन में कोई औरत पायल पहने घूम रही है। मैं कमरे में सो रहा था, हिम्मत ही नहीं हुई कि उठकर बाहर झांकूं या आवाज़ लगाकर पूछूं कौन है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मुझे लगा सब खामखा परेशान होंगे, लेकिन ये समस्या बढ़ती ही चली गई। थोड़े दिनों बाद मुझे इस तरह के अनुभव दिन में भी होने लगे। एक रात मुझे लगा जैसे मुझे कोई मेरा नाम लेकर बुला रही हो, और वही पायल की आवाज़ भी आ रही थी। कभी कभी मुझे शाम के वक्त अंधेरा होते ही गेट के बाहर एक इंसानी आकृति दिखाई देती, और वो जब भी दिखती मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगती। एक रात 9 बजे हम सब बरामदे में बैठे थे, वहाँ से गेट साफ साफ दिखाई देता था। वही आकृति आई और मुझे इशारे से बुलाने लगी। उस दिन जाने मुझे क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और गेट की तरफ चल पड़ा। पापा ने जब मुझे तीसरी बार ज़ोर से आवाज़ दी तो मेरा सम्मोहन टूटा और मैंने सारी कहानी पापा को बताई। अगले दिन पापा मुझे एक पंडित के पास ले गए। पंडित ने मेरी कुंडली देखकर मेरे माथे पर अंगूठा रखकर कुछ मंत्र पढ़ा और मेरी पीठ पर एक मुक्का मारा। उसके बाद से मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ और कोई आकृति भी नहीं दिखाई दी। गर्मियों के दिन थे, मेरी उम्र 14 साल की थी। एक दिन मैं ज़्यादा गर्मी होने के कारण अपने फ्लैट के बालकनी में सो रहा था। मम्मी पापा और भाई अंदर कमरे में सो रहे थे। रात को मुझे सपना आया कि एक औरत हाथ में हसिया लेकर मेरे पीछे भाग रही है और मैं सड़क पर बेतहाशा भागे जा रहा हूँ। मुझे पता चल रहा था कि यह सब एक सपना है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने आँख खोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब वो सपना टूटा, मेरे सारे शरीर पर पसीना आ चुका था। मैं चुपचाप उठकर अंदर कमरे में जाकर मम्मी के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद मैं वो बात भूल गया और एक दिन फिर बालकनी में सो गया। उस रात मुझे दोबारा वही सपना आया और जब मैं आँख खोली तो नीचे गली में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो हूबहू मेरे सपने वाली भूतनी जैसी थी। वो ऊपर बालकनी में ही देख रही थी। उससे नज़र मिलाते ही मैं दहाड़ कर रो पड़ा। मम्मी पापा और पड़ोसी भी उठ गए और वो औरत अचानक दिखनी बंद हो गई। जब मैंने ये बात बताई तो एक पड़ोसी ने बताया कि जिस फ्लैट में हम रहते हैं उस फ्लैट में एक आदमी ने किसी औरत को रेप करके कत्ल कर दिया था, वो उसी औरत का भूत था। अगला ही दिन मेरे पापा ने दूसरा फ्लैट ढूंढा और हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से मुझे उस भूतनी का कोई सपना नहीं आया, लेकिन मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया। कुछ साल पहले मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त हमारे शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर पिकनिक बनाने गए हुए थे। हम सब खाना खाकर सेल्फी ले रहे थे, तभी भाई के एक दोस्त ने कहा, यहाँ पास में एक झरना है, चलो वहाँ जाकर नहाते हैं। हम सब नहाने के लिए झरने में चले गए, खूब मज़े कर रहे थे कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे
पांव पे अपने हाथ की उंगलियां रगड़ रहा है। मैं काफ़ी हैरान हुआ और फिर मस्ती करने लग गया। हम सब झरने में हाइड एंड सीक खेलने लग गए। एक एक की बारी आती तो दूसरे दोनों पानी में ही छिप जाते और सांस रोक के अंदर ही रुक रहे थे। एक बार सिर्फ एक मिनट तक ही होता था, अगर ना दिखे तो दोबारा डाइव देनी होती थी। हम कई बार इसी तरह खेलते रहे। मैं अचानक ही पानी के अंदर रह गया। मुझे 5 मिनट हो चुकी थी, मेरा पानी में सांस घुट रहा था। मैं बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, मैं निकल ही नहीं पा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई पकड़ हुए है और ज़बरदस्ती पानी में गहराई की तरफ ले जा रहा है। अचानक ही मुझे मेरे भाई के दोस्त का हाथ टच हुआ, जो कि अच्छा स्विमर था। उसने जैसे ही मुझे ऊपर निकला, मैं उस पर भड़क गया। लेकिन बाद में मेरे भाई ने बताया कि तुझे इसी ने बचाया है, हम दोनों तुझे ढूंढ रहे थे। मेरे भाई की आंखों में तो लगभग आंसू आ चुके थे। फिर हम वहां से चले गए और मैंने रास्ते में उन्हें सब कुछ बताया कि कोई था जो मुझे पकड़ के ले जा रहा था। उसके बाद हम घर चले गए। मैं लगभग बीमार रहने लगा। बहुत सी जगह पर मुझे झाड़ा लगवाया गया, इलाज हुए, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबका कहना है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि जीन है। तब कई दिनों बाद हमने वो सेल्फी देखी जो झरने में क्लिक की थी, तो उसमें देखा कि एक जवान लड़की की परछाई थी। पूछने पर पता चला यहाँ एक लड़का डूबकर मर गया था और ये उसकी प्रेमिका है जिसने यहाँ आके सुसाइड किया था। तब कहीं जाकर तांत्रिक ने हमारे साथ उस जगह जाकर हवन किया और मुझे उससे मुक्ति दिलाई। लेकिन मुझे अब भी सपने में कई बार वो नज़र आती है और तांत्रिक ने मुझे उस जगह जाने लिए मना किया था। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।